चैप्टर 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना। सामाजिक व्यवहार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है तथा सामाजिक होने का आशय मात्र दूसरों के संगति में रहने से कहीं अधिक है। आपने जो 11वीं कक्षा में पढ़ा है उनके आधार पर आपको याद होगा कि सामाजिक मनोविज्ञान इन सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है जो दूसरों की वास्तविक कल्पित अथवा अनुमानित स्थिति में घटित होता है। इस सरल उदाहरण पर विचार करें। यदि आपको एक कविता को याद करके उसका पाठ करना है तो ऐसा करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी जब आप यह कार्य स्वयं अकेले कर रहे होंगे। परंतु यदि इस कविता का पाठ जब आपको एक श्रोता समूह के समक्ष करना हो तो इसका निष्पादन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब आप एक सामाजिक परिस्थिति में होते हैं, यहाँ तक कि मात्र या कल्पना करना भी कि लोग यद्यपि वे शारीरिक रूप से उपस्थित ना भी हों उसके कविता पाठ को सुन रहे हो, उसके निष्पादन को परिवर्तित कर सकता है। यह मात्र एक उदाहरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे हमारा सामाजिक परिवेश हमारे विचार समय तथा व्यवहार को एक जटिल तरीके से प्रभावित करता है। समाज मनोवैज्ञानिक विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तथा उनके व्यवहारों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण या विवृत्ति विकसित करते हैं जो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसे छवि निर्माण कहते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं, या जानने की भी में भी रुचि रखते हैं कि लोग किसी विशेष प्रकार से ही व्यवहार क्यों करते हैं। अर्थात हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार के कारणों का आरोपण भी करते हैं। यह प्रक्रिया गुणारोपण एट्रीब्यूशन कही जाती है। प्रायः छवि निर्माण एवं गुणारोपण अभिवृत्तियों एवं द्वारा प्रभावित होती है। ये तीनों प्रक्रियाएं सामाजिक संसार के संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उनकी व्याख्या करने में संबद्ध मानसिक क्रियाओं या गतिविधियों के उदाहरण हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान सोशल कॉग्निशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संज्ञान को स्कीमा या अनुबंध योजना स्कीमास नामक संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जा सकती, इनका बाह्य रूप से प्रदर्शित व्यवहारों के आधार पर अनुमान लगाना होता है। प्रेक्षणीय व्यवहार के रूप में सामाजिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कुछ और भी उदाहरण हैं। सामाजिक सुगमीकरण अवरोध सोशल फैसिलिटेशन इनहैबिटेशन अर्थात दूसरों की उपस्थिति में निष्पादन में सुधार कमी तथा समाजोन्मुख एवं समाजकारी व्यवहार प्रो सोशल बिहेवियर अर्थात जो संकटग्रस्त जरूरतमंद हैं वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना। ऐसे सामाजिक प्रभाव के दो उदाहरण हैं। सामाजिक संदर्भ किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि लोग स्वयं तथा दूसरे के विविध प्रकार के व्यवहार को किस रूप में देखते हैं तथा उससे क्या अर्थ निकालते हैं। यह समझने के लिए एक व्यक्ति को सामान्य बुद्धि तथा लोक बुद्धि से परे जाकर सोचना होगा। क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण एवं मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले तार्किक कार्य कारण संबंध को स्थापित करना संभव है। यह अध्याय उपरोक्त बिंदुओं के आधारभूत पक्षों का वर्णन करेगा। हम लोग सबसे पहले अभिवृत्तियों के बारे में विवरण प्रस्तुत करेंगे। अभिवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। कुछ मिनट के लिए निम्नलिखित मानसिक अभ्यास कीजिए। स्वयं से आज आपने कितनी बार कहा मेरी राय में या दूसरे लोग ऐसा कह सकते हैं परंतु मैं अनुभव करता हूँ कि रिक्त स्थान में आप जो कुछ भी लिखते हैं उसे मत कहा जाता है। आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं और विचार करें कि ये मत या विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ मतों का विषय वस्तु आपके लिए सामान्य या औसत महत्व की हो सकती है। ये आपके सोचने विचार करने के मात्र तरीके हैं तथा दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण से सहमत है अथवा असहमत ये आपके लिए विशेष महत्व नहीं रहेगा। दूसरी ओर कुछ अन्य विषय वस्तु आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि इन विषयों के बारे में आपके विचार या दृष्टिकोण का कोई विरोध करता है तो उसे चुनौती देता है तो आप सामग्रिक हो जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ दृष्टिकोणों को आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दूसरे शब्दों में यदि आपके दृष्टिकोण केवल विचार मात्र ना हो इसमें सामग्रिक एवं क्रियात्मक घटक भी हों तो ये दृष्टिकोण केवल मत नहीं होते बल्कि इससे कुछ अधिक होते हैं। ये वस्तुतः अभिवृत्ति के उदाहरण है। अभिवृत्ति की सभी परिभाषाएं इस बिंदु पर एकमत हैं। अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह किसी विषय
जिसे अभिवृत्ति विषय कहा जाता है, के संबंध में विचारों का एक पुंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता सकारात्मक नकारात्मक तथा तटस्थता का गुण पाया जाती है। इससे संबंध एक सामयिक घटक है, अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विचार परक घटक को संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पक्ष कहते हैं, सामयिक घटक को भावात्मक अफेक्टिव पक्ष के रूप में जाना जाता है, तथा तो क्रिया की प्रवृत्ति को व्यवहार परक बिहेवियरल या क्रियात्मक घटक कहा जाता है। ये क्रियाकलाप है। संक्षेप में तीनों घटक को अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर को अभिवृत्ति एबीसी कंपोनेंट कहा जाता है। हिंदी में इसे अभिवृत्ति का संभाव्य संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहार परक घटक कहते हैं। ध्यान में रखें, अभिवृत्ति स्वयं में व्यवहार नहीं है, परंतु एक निश्चित प्रकार से व्यवहार या क्रिया की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। ये संज्ञान के अंग है जो सामयिक घटक से युक्त होते हैं। बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, तीनों घटकों के संबंध में दर्शाया गया है। अभिवृत्ति को दो अन्य घनिष्ठ रूप से संबंधित संप्रत्यय विश्वास बिलीफ एवं मूल्य वैल्यूज में विभेदित किया जाता है। विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिवृत्ति टिकी होती है, जैसे ईश्वर में विश्वास या राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास। मूल्य ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है जिसमें चाहिए का पक्ष निहित तो रहता है, जैसे आचार परक या नैतिक मूल्य। एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए या एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण है। मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। अभिवृत्ति के लिए द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? हम देखते हैं कि अभिवृत्ति वह पृष्ठभूमि प्रदान करती है जो व्यक्ति को यह निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है कि नई परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है। उदाहरण के लिए, विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति, उनसे मिलने पर हमें उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। भावात्मक संज्ञानात्मक व्यवहार परक घटकों के अतिरिक्त अभिवृत्ति की और भी विशेषताएं हैं। अभिविक्ति की चार प्रमुख विशेषताएं कर्षण शक्ति, बैलेंस, सकारात्मकता या नकारात्मकता, चरम सीमा, एक्सट्रीमनेस, सरलता, सिंप्लिसिटी या जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुविधता तथा केंद्रीयता, सेंट्रलिटी। कर्षण शक्ति सकारात्मक या नकारात्मकता। अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। मान लीजिए कि किसी अभिवृत्ति जैसे नाभिकीय शोध के प्रति अभिवृत्ति को 5 बिंदु मापनी पर व्यक्त करना है, जिसका प्रसार 1 बहुत खराब, 2 खराब, 3 तटस्थ, न खराब न अच्छा, 4 अच्छा, 5 बहुत अच्छा तक है। यदि कोई व्यक्ति नाभिकीय शोध के प्रति अपने दृष्टिकोण या मत का आकलन इस मापनी पर 4-5 करता है तो स्पष्ट रूप से यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति नाभिकीय शोध के विचार को पसंद करता है तथा तो सोचता है कि यह कोई अच्छी चीज है। दूसरी ओर यदि आकलित मूल्य 1-2 है तो अभिव्यक्ति नकारात्मक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति नाभिकीय शोध के विचार को नापसंद करता है एवं सोचता है कि यह कोई खराब चीज है। हम तटस्थ अभिवृत्तियों को भी स्थान देते हैं। यदि हम उदाहरण में नाभिकीय शोध के प्रति तटस्थ अभिवृत्ति इस मापनी पर 3 के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, एक तटस्थ अभिवृत्ति में कर्षण शक्ति ना तो सकारात्मक होती है और ना ही नकारात्मक। चरम सीमा एक अभिवृत्ति की चरम सीमा यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है। नाभिकीय शोध के उपयुक्त उदाहरणों में मूल्य 1 उस चरम सीमा का जितना है जितना कि 5 बस अंतर है, दोनों की विपरीत दिशा में अर्थात दोनों की कर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत है। मापनी 2 और 4 कम तीव्र है, तटस्थ अभिवृत्ति निसंदेह न्यूनतम तीव्रता की है। सरलता एवं जटिलता बहुविधता इस विशेषता से तात्पर्य कि एक व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं, उस अभिवृत्ति को एक परिवार के रूप में समझना चाहिए जिसमें से अनेक सदस्य अभिवृत्तियां बहुत से विषयों जैसे स्वास्थ्य और विश्व शांति के संबंध में लोग एक अभिवृत्ति के स्थान पर अनेक अभिवृत्तियां रखते हैं। जब अभिवृत्ति तंत्र में एक तथा बहुत सी अभिवृत्तियां हो तो उसे सरल कहा जाता है, और जब वह अनेक अभिवृत्तियों से बना हो तो उसे जटिल कहा जाता है। स्वस्थ और एवं कुशल क्षेम के प्रति अभिवृत्तियों का उदाहरण के तौर पर ले, इस अभिवृत्ति तंत्र में अनेक अभिवृत्तियों के पाए जाने की संभावना है, जैसे व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संपर्क है, प्रसन्न एवं कुशल क्षेम के प्रति उसका दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता
कैसे प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में इसका विश्वास एवं मान्यता है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अभिवृत्ति में मुख्य रूप से एक अभिवृत्ति के पाए जाने की संभावना है। एक अभिवृत्ति तंत्र में बहुसदस्यीय अभिवृत्तियों को अभिवृत्ति के तीन घटकों के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक अभिवृत्ति तंत्र के प्रत्येक सदस्य अभिवृत्ति में भी संभाव्य या ABC घटक होता है। केंद्रिता यह अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है। गैर केंद्रीय या परिधि अभिवृत्तियों की तुलना में अधिक केंद्रिता वाली कोई अभिवृत्ति अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को अधिक प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए विश्व शांति के प्रति अभिवृत्ति में सैनिक व्यय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एक प्रधान या केंद्रीय अभिवृत्ति के रूप में हो सकती है। जब बहु अभिवृत्ति अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है।